माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माय गवर्नमेंट ऐप पर ये वीडियो जल बचाओ। ट्रैफिक में खड़े होकर पेट्रोल डीजल बचाते हैं इंजन को ऑफ करके, कितना ड्रॉप बचता होगा पेट्रोल डीजल का। ठीक इसी तरह हम लोगों को पानी बचाना पड़ेगा, एक एक ड्रॉप पानी, एक एक ड्रॉप डीजल, पेट्रोल दोनों ही बहुत कीमती है हम लोगों के जीवन में। हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को वाटर के बारे में बोलूँगा। जैसे माई गवर्नमेंट ऐप में एक वीडियो बनाने के लिए आया है हमारे प्रधानमंत्री के माई गवर्नमेंट ऐप पर, काफ़ी दोस्तों ने बनाया है वीडियो, सबको भी अच्छा लगा है, सबका वीडियो अच्छा है, बहुत बेखूबी से सब लोग टेक्निक दिखाए हैं कैसे वाटर बचा सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा पानी को कैसे बचाया जाए। पानी में दो किस्म का पानी है, एक हम लोगों को एवरीडे यूज़ करने के लिए होता है और एक है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट द ड्रिंक ऑफ वाटर, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ वी सेव ड्रिंकिंग वाटर। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, लोग पैसा जमाते हैं, खर्चा कम करते हैं क्योंकि उसको भविष्य में ज़रूरत है। समझिए देश में पानी का अकाल लग गया हूँ तब क्या करेंगे, हमको पानी बचाना पड़ेगा। जैसे कि और एग्जांपल, सोचिए देश में चावल का या खाने का अकाल लग गया हो तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम करके यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिन चलेगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग समझ के खर्चा करते हैं कि ज़्यादा दिन चले। ऐसे ही वाटर को भी बचा के करना चाहिए। वाटर के बचा कर यूज़ करने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, जो अवेयरनेस हम लोगों को वाटर बचाने में काम आएगा। एक एक ड्रॉप की बहुत कीमत है। आजकल तो पोल्यूशन में छा चुका है, पॉपुलेशन भी बढ़ चुका है, उधर उत्तर मेरु पर जो बर्फ़ पिघल रहे हैं उसके वजह से पानी का स्तर बढ़ने वाला है, मैक्सिमम वाटर पोल्यूटेड हो चुका है, पीने लायक नहीं है, और इधर पे हमारा गंगा नदी का जो है उसका ग्लेशियर भी पिघल रहा है, उसके वजह से गंगा में भी पानी कम हो रहा है, इवन उसके अंदर फैक्ट्रियों से पोल्यूटेड वाटर भी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से नदियाँ भी पूरा पोल्यूटेड हो चुकी है। लेकिन याद रखना, एक टाइम 100-200 साल पहले उस पानी को पी के जिया जाता था, लेकिन आजकल वो पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि पोल्यूटेड है, इसके लिए फिल्टर्स आ गए हैं। लेकिन कब तक, जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक हम लोग वो पानी को बचा नहीं पाएंगे। एक एक ड्रॉप की कीमत चुकानी पड़ेगी, पानी को सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। साउथ इंडिया पर काफ़ी जगह पर बारिश कम होती है, यहाँ पे नदी बरसात की नदी है, बर्फ़ पिघलता हुआ पानी का नदी नहीं है, सो यहाँ पे बहुत डैम्स है, डैम्स के अंदर पानी पकड़ के रखा जाता है, उसको पीने के पानी हिसाब से यूज़ किया जाता है और डे बाय डे यूज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ का लोग थोड़ा अवेयरनेस है, अगर ज़्यादा खर्चा कर दें बाद में पानी ना मिले, ऊपर से बारिश भी कम होता है, पानी स्टोर ज़्यादा नहीं हो पाता है, सो तीन दिन चार दिन बाद पानी आता है, कॉरपोरेशन से ऐसे दिया जाता है, तो ऐसे सेव करके सारा साल चलाना पड़ता है। जुलाई अगस्त में कभी बारिश होगा, अगर बारिश कम हो गया तो भी मुश्किल हो जाती है। सो ये अवेयरनेस सारा वर्ल्ड तो सोचेगा, लेकिन हमारे भारत के लिए हर एक आदमी के अंदर ही वो अवेयरनेस चाहिए। एक्स्ट्रा वेस्ट पानी नहीं चलेगा, और सोच समझ कर पानी वेस्ट करना है। जितना पीना है पियो, वेस्ट मत करो, जितना धुलाई के लिए हो दूसरा घर के काम के लिए यूज़ करना है करो, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं है, नहाने के लिए भी एक्स्ट्रा वेस्ट के नहीं है। ऐसे काफ़ी अवेयरनेस आ चुके हैं लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आ रही है। इस जागरूकता को बढ़ाना है और ऐसे लेवल पर लेके जाना है कि लोग इसे वाटर को बचाने के हिसाब से यूज़ करें। जैसे ऐसे लग रहा है कि खून, पसीना और पानी सेम हो चुका है। खून की एक एक ड्रॉप कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब हॉस्पिटल में ब्लड ग्रुपिंग नहीं मैच होता है,
खून ढूंढने के लिए हम लोगों को कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, पैसे से भी नहीं मिलता है। तो यही है इम्पोर्टेंस, हम लोग खून की कीमत चुकाते हैं, खून की एक एक ड्रॉप की कीमत चुकाते हैं। सेम एज वाटर को भी अवेयरनेस के जरिए कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे इम्पोर्टेंट है। एक एक ड्रॉप वेरी वैल्यूएबल। सामने जो दिन आ रहा है अभी वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस में भोगने वाला है, तो भोगने से पहले हम लोग दोस्तों अगर अवेयरनेस को बढ़ा दें और इस लेवल तक लेके जाएं कि हम कोई भुगतना ना पड़े, हम लोग सावधानी से जिए, अवेयरनेस मेंटेन करें, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना चाहिए, बढ़ा के इतने लेवल पे लेके जाएं कि इसका प्रॉब्लम हम लोग को महसूस ही ना हो। थैंक यू।